हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज मैं खड़ी हूँ इस पावन ब्रज भूमि के प्रेम मंदिर के अनुपम प्रांगण में। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और अलौकिक है कि उसको शब्दों में बखान करना मुश्किल है। इसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर सजी हुई हैं कृपालु भगवान श्री कृष्ण के जीवन की मनमोहक झांकियाँ और साथ में लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के रंग संयोजनों से सजे हुए बगीचे, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पत्तियाँ। प्रकृति का ऐसा कौन सा रंग है जो यहाँ पर नहीं बिखरा हुआ। डेलिया, पोंसेतिया, बर्बीना, फ्लॉक्स, पैंजी और गेंदे के लाइट और डार्क अलग अलग शेड्स, साथ में इसी तरह से पत्ता गोभी जो सजावटी कैबेज है उसके भी शेड्स। ये पूरा अरेंजमेंट इतना खूबसूरत बनाया गया था, वायरिंग से कस के ये डोरेंटा के बॉल्स बनाई गई थी जो इसको एक नया डायमेंशन दे रही थी और लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे थे, फोटोग्राफ भी ले रहे थे। मैंने भी फोटोग्राफ लिया है और मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको इसको दिखा पाऊँ, लेकिन अपने आप से देखना ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था। गोपियों के साथ नृत्य करते हुए श्री कृष्ण दूर दूर तक फैली हुई हरी घास और साथ में पोंसेतिया के लगे हुए ये अरेंजमेंट, जिन्हें कि एक पेड़ के रूप में स्टैंड पर रखा हुआ है। और श्री कृष्ण हैं तो वृंदा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बृहद आकार के गमले में माँ तुलसी पल्लवित हो रही हैं और इधर अगर नजर दौड़ाते हैं तो एक बहुत बड़े आकार में कमल की आकृति को तराशा गया है दोरंता के प्लांट के द्वारा, जो कि बरबस ही आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। नृत्य करते हुए वंशीधर और आसपास गोलाकार में सजे हुए मनमोहक रंग बिरंगे मौसमी फूलों के बगीचे। इन बगीचों की छटा अनुपम है और इसमें सजे हुए हैं विभिन्न प्रकार की टोपियारी, पिटूनिया, कोलियस, डेलिया, लिपस्टिक एग्लोनिमा, फ्लॉक्स, बिगोनिया, गेंदे, गजानिया और भी कई तरीके की फूलों की वैरायटी से ये सजाया गया है बगीचा। चारों तरफ से खूबसूरत बगीचों से सजे हुए इस मंदिर में यूं तो हर मौसम में फूलों की बहार रहती है, लेकिन सर्दी का मौसम विशेष है। भैया बलराम और ग्वालों के साथ गैया चराते श्री कृष्ण की ये सुंदर झांकी और इसके साथ साथ किनारों पर बनी ये कंगूरे नुमा क्यारियाँ, इन क्यारियों में सजे हुए हैं सुंदर सुंदर वेलवेट रंग के साल्विया के फूल, तो कहीं सजी हुई हैं रंग बिरंगे पत्तियों वाले कोलियस और कहीं इंद्रधनुषी रंगों वाले पिटूनिया और कहीं बंदर के मुंह वाले पैंजी। सारे के सारे फूल इस बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। और पीछे की तरफ की क्यारियों में हम देखें तो बड़े बड़े थाली नुमा आकार के डेलिया के फूल लगे हुए थे जो अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ पर सजी हुई हैं और उनके साथ ही इन पेड़ पौधों का समायोजन किया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। जैसे कि इस झांकी में भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और इस दूसरी झांकी में भगवान यमुना तीर पर विचरण कर रहे हैं माँ राधा रानी के साथ। ये सारी की सारी झांकियाँ बहुत ही नैनाभिराम हैं, इनका वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए मुश्किल था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुंदर झांकी में राधा कृष्ण मध्यम मध्यम हिंडोला झूल रहे हैं और साथ में गोपियाँ भी हैं। इस पूरी झांकी को और सुंदर बनाने के लिए रंग बिरंगे मौसमी फूलों को गमलों में सजाया गया है और पीछे जो आर्च है उसमें सदाबहार बेलें लगाई गई हैं और उसके पीछे मध्यम आकार के पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि ये पूरा दृश्य एक जंगल का आभास दे रहा है
जो कि देखने में वाकई खूबसूरत लग रहा है। सुंदर उपवन में गोपियों तथा राधिका के साथ रास रचाते मनोहारी कृष्ण की ये झांकी बहुत ही सुंदर थी। इसमें फूलों का और अन्य पौधों का इतना सुंदर रंग संयोजन किया गया था कि देखते हुए मन नहीं भर रहा था। यहाँ के बगीचे न सिर्फ खूबसूरत फूलों से सजे हैं, लेकिन इस बगीचे में कैक्टस को भी शामिल किया गया है और वो भी इतनी ही खूबसूरती के साथ। कैक्टस कई तरीके के आते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन उन्हें बगीचे के रूप में इतना खूबसूरत ढालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज हैं। मैं आपको ऊपर से नीचे तक का व्यू दिखा रही हूँ और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कितनी खूबसूरती के साथ अरेंज किया हुआ है। फ्रेंड्स, प्रेम मंदिर राधा और कृष्ण के अलौकिक और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यहाँ के कण कण में राधे और कृष्ण बसे हुए हैं। पूरे समय इस मंदिर में राधे और कृष्ण के नाम की स्वर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। वातावरण यहाँ का बहुत ही दिव्य और अनुपम है। इतने विशाल और भव्य मंदिर को 5 या 6 मिनट के वीडियो में समेट पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इस मंदिर के आंतरिक तथा रात्रिकालीन दृश्य और म्यूजिकल शो भी बहुत ही मनोरम होता है, जिसे मैं इसी चैनल पर वीडियो के दूसरे भाग में प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।